मिस तवाना आज क्लास 4 विषय हिंदी लेसन 3 अंतरिक्ष यात्री लेख के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष का मतलब होता है बाहरी दुनिया, पृथ्वी से बाहर की दुनिया, जहाँ ना हवा है, ना पानी है, ना मिट्टी है, कुछ नहीं है, जहाँ पर लोग जिंदा नहीं रह सकते। यात्री जो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे यात्री कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। और अंतरिक्ष जो है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मनुष्य हमेशा से अंतरिक्ष के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहा है। और इस बहुत हद तक वो इन रहस्यों को जान भी गया। प्रस्तुत पाठ जो है इसी विषय की जानकारी लोगों को देता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, मनुष्य हमेशा से प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहा, उनके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि वह प्रकृति के रहस्यों को जाने। चंद्रमा, सूरज और आकाश का सच जानने की लालसा हमेशा से मानव इंसान के मन में हमेशा उठता रहता है। वो चाहता है कि चांद, सूरज और आकाश के बारे में वो जाने। उसने अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू की। उन्होंने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष के रहस्यों, रहस्य का मतलब होता है छिपी हुई बात, गुप्त बात, उन बातों को जानने के लिए उन्होंने जानना शुरू कर दिया। आसमान में चमकते चांद को देखकर उसने हमेशा से यही सोचा कि चांद पर क्या क्या होगा। जब हम लोग चांद को देखते हैं तो हम लोग के मन में इच्छा आती है, इस सवाल आता है कि वहाँ क्या क्या होगा, इसकी धरती कैसी होगी, वहाँ चांद की धरती कैसी होगी, क्या वहाँ पर मनुष्य पहुँच सकता है, और बहुत सारा। मनुष्य की यह इच्छा रॉकेट के निर्माण के बाद पूरी होगी। जब रॉकेट बनकर तैयार हुआ तो इंसान का, मनुष्य का यह इच्छा भी, चांद पर जाने की इच्छा भी पूरी हो गई, क्योंकि उसके द्वारा अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में पहुंचाना संभव हो सका। अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में जो भेजा जाता है, जैसे हम लोग यहाँ से कहीं दूर जाते हैं तो गाड़ी लेते हैं ना, उसी तरह से अंतरिक्ष में जाने के लिए वहाँ एक स्पेशल यान आता है, उसको अंतरिक्ष यान कहते हैं। तो वो रॉकेट के द्वारा वो पहुँचाना आसान हो गया। सबसे पहले मनुष्य ने इस रहस्य को जानने के लिए 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 में एक लाइका नामक कुतिया को वातावरण से बाहर भेजने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले मनुष्य जो है वो अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए उन्होंने 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2, ये उसका यान का नाम था, अंतरिक्ष यान का नाम था, और उसमें एक लाइका नामक कुतिया को पृथ्वी से बाहर भेजा गया, और उसमें उन्होंने बाहर भेजने की उन्हें सफलता भी प्राप्त की। 12 अप्रैल 1961 का दिन कभी नहीं भूल सकता है। 12 अप्रैल 1961 के दिन जब मनुष्य ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी, इंसान जब पहले तो कुत्ता को एक कुतिया जो थी उसको भेजा था अंतरिक्ष में, लेकिन 12 अप्रैल 1961 को इंसान जो है वो पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरा। अंतरिक्ष में पहली बार उड़ान भरने वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति थे रूस के यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जिन्होंने पहली बार उड़ान भरा वो रूस के रहने वाला था, और वो उसका नाम था यूरी गागरिन। उनके अंतरिक्ष यान का नाम था वास्तोक 1, उनके यान का नाम था वास्तोक 1, जिसका वजन 10,395 पाउंड था, उसका वेट था, वजन था। यूरी गागरिन ने पृथ्वी की परिक्रमा की। जब वो वहाँ अंतरिक्ष पे गया तो उसने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, और 1 घंटे के बाद ही वह वापस धरती पर सही सलामत लौट कर आ गए। यूरी गागरिन रूसी वायुसेना के टेस्ट पायलट जो हवाई जहाज को उड़ाता है, उड़ाने वाला यूरी गागरिन जो था वो रूस का रहने वाला था, तो वो रूस का वायुसेना में था, वो एक पायलट था।
जिन्होंने अंतरिक्ष की पहली उड़ान भरकर अपना नाम विश्व इतिहास में दर्ज कराया। वो जो है वो पहली बार सबसे पहला अंतरिक्ष में जो उड़ान भरा था वो था यूरी गागरिन, और उन्होंने अपना नाम इतिहास में लिखवा लिया। या किसी एक देश या एक यात्री की ही नहीं समूची मानव जाति की उपलब्धि थी। ये सिर्फ किसी देश या किसी यात्री का ये उपलब्धि नहीं था, ये पूरे मनुष्य की, पूरे मानव जाति को उपलब्धि था। इसके 23 दिन बाद ही अमेरिका के एलन शेपर्ड भी अंतरिक्ष यात्री को निकल पड़े, और इसके 23 दिन बाद अमेरिका के एलन शेपर्ड वो भी अंतरिक्ष यात्री पर वो भी निकल पड़े। 5 मई 1961 को सुबह 9:35 पर उन्होंने मरकरी नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। एलन शेपर्ड जो है वो 5 मई 1961 को सुबह 9:35 में मरकरी, उनका यान का नाम था मरकरी, उसमें उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सौभाग्य भी रूस के ही तेरेस्कोवा को प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो अंतरिक्ष में उड़ान कौन भरा था, रूस का ही व्यक्ति था, उसका नाम था वो यूरी गागरिन। लेकिन यह विश्व की पहली महिला थी, औरत थी, जिन्होंने तेरेस्कोवा, जो रूस की रहने वाली थी, और उसे अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका पूरा नाम था, तेरेस्कोवा का पूरा नाम था वैलेंटीना व्लादिमिरोवना तेरेस्कोवा। उनके पिता दूसरे विश्व युद्ध में काजियों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। तेरेस्कोवा के पिता जो थे वो दूसरे युद्ध में वो काजियों के खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी उसमें, विश्व युद्ध जो हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें उसके पिता जो है तेरेस्कोवा के पिता शहीद हो गए थे। ऐसे वीर और पराक्रमी पिता की साहसी पुत्री थी तेरेस्कोवा। अत्यंत कठिन प्रशिक्षण एवं परीक्षणों से गुजरते हुए 16 जून 1963 को तेरेस्कोवा ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। 16 जून 1963 को तेरेस्कोवा ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। वे 70 घंटे और 50 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। वे 70 घंटे, तेरेस्कोवा जो है वो अंतरिक्ष में 70 घंटे और 50 मिनट तक वो रहे थे अंतरिक्ष में, और उन्होंने पृथ्वी के 48 बार चक्कर लगाए थे। 48 टाइम्स उन्होंने वो क्या किया था, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए थे। और उन्हें अपने देश में जब, और उन्हें रूस में ही ऑर्डर ऑफ लेनिन तथा हीरो ऑफ सोवियत सम्मान प्राप्त हुआ, उसे अवार्ड दिया गया था। अक्टूबर 2000 में उन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर एसोसिएशन द्वारा सदी की सबसे महत्वपूर्ण महिला का खिताब भी दिया गया। 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में सवार होकर 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुंचे। अब मनुष्य जो है वो चांद पर भी पहुंच गया। 21 जुलाई 1969 को अपोलो का अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11, उस पर 3 अंतरिक्ष यात्री जो है वो चांद पर पहुंचे। चंद्रमा के धरातल पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले, जो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। तीसरे यात्री माइकल कलिंस यान के अंदर चंद्रमा का चक्कर लगा रहे। 3 लोग जो गए थे जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन वो दोनों चांद पे उतरे थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो था माइकल कलिंस वो यान के अंदर ही बैठा था, और वो क्या कर रहा था, चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इन दोनों यात्रियों ने चांद की धरती पर मिट्टी और चट्टान के कुछ नमूने इकट्ठे किए। वहाँ से उन्होंने कुछ वहाँ का मिट्टी और वहाँ का कुछ पत्थर चट्टान इकट्ठा किया। उन्हें कैमरे से वहाँ के अनेक चित्र खींचे, और वहाँ पर बहुत सारे कैमरा जो लेके गया था वहाँ पर बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए। इन यात्रियों ने बताया कि चंद्रतल का, चांद का जो जमीन जो है वो समतल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, वहाँ गड्ढे। पृथ्वी के विषय में इन्होंने कहा कि चंद्रमा से पृथ्वी बहुत सुंदर और चमकीली दिखाई देती है। जब वो चांद पर गया, चांद से जब वो
धरती को देख रहा था, पृथ्वी को देख रहा था, तो वो बहुत ही सुंदर और चमकीली दिखाई दे रहा था। जिस तरह से हम लोग पृथ्वी से चांद को जब देखते हैं तो वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से चांद से जब वो लोग पृथ्वी को देखा तो वहाँ उसको वो पृथ्वी जो है वो सुंदर और चमकीली दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं तो इन सब मामले में भारत कैसे पीछे रहता। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे वायुसेना अधिकारी राकेश शर्मा, और इन लोग के बाद भारत जो है उसमें जो पहला अंतरिक्ष पे जो उड़ान भरा था जो वो था वायुसेना अधिकारी राकेश शर्मा। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को अपने 2 रूसी साथियों के साथ रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज P-11 में अंतरिक्ष में उड़ान भरा। राकेश शर्मा जो है वो भारत का था, वो 3 अप्रैल 1984 को अपने 2 साथी रूसी साथी रूस के जो रहने वाले 2 साथी रूस के रहने वाले थे उनके साथ वो अपने अंतरिक्ष यान सोयुज T-11 का अंतरिक्ष यान का नाम था सोयुज T-11 में उसने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। वे लगभग 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रहे और ये तीनों जो राकेश शर्मा जो है वो कम से कम 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रहा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और अंतरिक्ष से ही राकेश शर्मा ने इंदिरा गांधी से बात की। इंदिरा गांधी ने उनसे बस एक ही बात पूछा कि हमारा भारत कैसा लगता है, तो राकेश शर्मा ने कहा सारे जहाँ से अच्छा। तब राकेश शर्मा वहाँ से अंतरिक्ष में ही रहते बोले थे कि सारे जहाँ से अच्छा। इस श्रृंखला में सूती कल्पना चावला का नाम जुड़ा है, और इसके बाद कल्पना चावला उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 1997 में कल्पना चावला जो है वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 1997 में वो अंतरिक्ष की यात्रा की, और उन्हें भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। परंतु दूसरी बात, अंतरिक्ष यात्री के दौरान धरती पर वापस लौटते समय इनका अंतरिक्ष यान दुर्घटना का शिकार हो गया। ये पहली बार जब गई वो दूसरा बार जब वो जाने लगी अंतरिक्ष या अंतरिक्ष यात्रा पे, तो जब वो वापस लौट रही थी तो धरती पर उस समय पहुँचने से पहले उनका जो अंतरिक्ष यान था वो क्या हो गया, दुर्घटना हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, और भारत की यह बेटी असमय ही संसार से छूट गई, मतलब वो मर गई। कल्पना चावला के अतिरिक्त सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला के अलावा भारत की एक और अंतरिक्ष यात्री वो सुनीता विलियम्स थी। उनका जन्म, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। वे 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में गए। सुनीता विलियम्स जो है वो 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में गई, और अपने साथ समोसे, भगवत गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जब वो गई तो वो अपने साथ समोसे, भगवत गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से संबंध रखती थी। ये जो है भारत के गुजरात के अहमदाबाद शहर से संबंध रखती थी। उन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, और सुनीता विलियम जो है वो अंतरिक्ष में 195 दिन तक वो रही थी। जून 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता विलियम्स ने अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी हैं। 1998 से लेकर के सुनीता विलियम्स जो अभी तक वो जितने भी 30 अलग अलग उनका वो जो है 30 अलग अलग अंतरिक्ष यान में वो 2770 बार वो उड़ान भर चुकी है, मतलब वो अंतरिक्ष में जा चुकी है। उन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। 2008 में भारत सरकार द्वारा उसे पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तो अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में जाने वाले
और वहाँ के रहस्यों को ये लोग जो है वो हमें इस बात की जानकारी देती है कि रहस्य में अंतरिक्ष में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। इसलिए अब ये लेख यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग इस कहानी को ये इस लेख को अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे समझेंगे और कुछ शब्दार्थ वर्ड मीनिंग मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसे लिखोगे कॉपी पे, याद करोगे